अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजब अलीवार इज विद ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जनाब हम निकल चुके हैं रजब भट्ट को ढूंढने के लिए, तो आप लोग दुआ करें कि हम उनसे मिलें। और इस वीडियो को आपने फुल टाइम जो है वो देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे तो आप रजब भट्ट तक नहीं पहुँच सकते। आप इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हिंट्स जो है वो मैं देने वाली हूँ, आप लोग उसको देख के आप भी पहुँच सकते हो वहाँ पर। तो आप लोगों ने स्किप कर दिया तो हिंट जो है वो आप तक नहीं पहुँचेंगे, तो आप अपने घर में बैठे सिर्फ रजब भाई के व्लॉग ही देखेंगे, आप मिल नहीं पाएंगे उनसे। तो चलें जनाब हम जा रहे हैं, बस आप लोग दुआ करें हमारे लिए, हम लोग आपको वहां पे पहुंचा दें। अच्छा तो भाई जी मैं बोलने नहीं वाली हूँ कि हम यहाँ आ गए, यहाँ आगे मैं वीडियो बनाऊंगी कुछ मेन चीज़ों पे जो है वो मैं कैमरा मारूंगी। आप लोगों ने वहां से देख के खुद ही जो है अंदाजा लगाना है कि ये किस साइड पे, किस साइड पे, ठीक है? ओके आज ऐसे ही बैठे बैठे हमें जोश आया, मैंने कहा इमरान आज मैं फारिग हूँ, चलो निकलते हैं भाई, निकलते हैं अपने लिए कुछ करें, कुछ तो ऐसा कोई हाथ पला मारे कि जिसकी वजह से हमारा भी कुछ बन जाए। तो बस ऐसे ही आप लोग हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जिन जिनका चैनल है वो अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। तो वैसे हम ये पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही दूर रह गया। यहाँ कहीं पे ही है ये, हम आगे 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 हैं। हाँ इधर कहीं है, वो मिल गया मिल गया मिल गया, वो है। ये यार बात है, चलो पूछो तो सही ना, कुछ तो पूछो, पहुंचे तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। ये भाई मिले हैं पर ये बता नहीं रहे, वो कह रहे हैं जिम ऑफ है। तो यहाँ पर जब भाई आएंगे रात को आएंगे, 9 बजे 8 बजे रोज़ाना आते हैं, तो आप तब आके मिल लें उनसे। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे 6 दिन एक लड़का बैठ के गया, मुल्तान से आया था, तो वो भी जो है बड़ी मुश्किल से मिल के गया। अभी हमें टेंशन हो रही है कि इतनी दूर से आए क्या होगा। चले उतनी देर में नीचे चलती हूँ, आपको चल के मैं जिम दिखाती हूँ। बंद है वैसे तो, चले मैं दिखा दूँ आपको। अब पता नहीं आगे हमारा क्या बनने वाला है, कहाँ जाएँगे हम, कैसे ढूँढेंगे, घर ढूँढने की कोशिश करेंगे अब। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, आप यकीन करें बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पहुंच के दिखाएंगे। कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। जिम पे आने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि इसके आसपास ही है घर हैदर भाई का, वो आप खुद ही ढूंढ लें। अब हम घर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग भूखे लेने लगे, पता कोई नहीं अभी कि हम लोग उनसे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। अभी हम लोग उनके घर जाने वाले हैं, पता नहीं शायद वो घर पे भी हो या नहीं हो, पता कोई नहीं हमें कुछ भी अभी इस टाइम। लेकिन आपको मैं इस जगह का हिंट जरूर दूंगी, आप पहुंच जाएंगे, खुद ही ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। ये इमरान भुक्के ले रहे हैं इनसे, भुक्के भी बड़ा खज्जल हो गया हमें मिला है। और आपको छोटे छोटे से हिंट जो है वो मैं देती जाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मुझे ज़रूरत है इनकी और इनकी हेल्प की, तो शायद आप लोगों को भी हो। और जी जो भी कोई इनसे मिलने के लिए आ रहा है ना, ये बिल्कुल उनके जिम के पास ही है, ये बुके वाले अंकल बड़े अच्छे बुके हैं इनके पास, ये देख सकते हैं आप। और ये रजब भाई के लिए ना इनसे बुके ज़रूर बनवा के लेके जाइएगा, बड़े अच्छे फ्लावर हैं इनके पास, बुके अच्छे बना के दे रहे हैं ये रजब भाई को मिलने के लिए, बुके बड़े अच्छे बनाते हैं। ये इनकी शॉप का नाम है जी, अली उसामा फ्लावर शॉप, ठीक है? ये बहुत अच्छे उन्होंने रेट पे हमें दे दिए। हाँ जी अम्मा, अभी हैदर भाई का घर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हम हैदर भाई के घर जा रहे हैं। आप दुआ करें कि वो हमें रजब भाई से मिला दें, तो हम उनसे मिल के ही आए क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं, छोटी सी बच्ची भी है हमारे साथ। तो आप लोग दुआ कीजिए कि हमें रजब भाई मिल जाए, हैदर भाई मिल जाए, उनकी अम्मी मिल जाए, और कोई मिल जाए। से नहीं
जी ये हम पहुंच गए हैदर भाई के घर। तो पता नहीं अब ये हैदर भाई का ही घर है कि नहीं। हाँ जी ये वही है वही है वही है। नीचे उतरे। उई। उसको पकड़ो। ये हमने बेल दे दी है, आप दुआ करो यार हैदर भाई घर से बाहर आ जाए। ये अंकल हमें भी मिले हैं, पता नहीं क्या लगते हैं हैदर भाई के, शायद पापा है। आप दुआ करो कि हम मिल लें उनसे बस। जी हमें अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। शुक्रिया अंकल जी। यार हम अंदर आ गए। ये देखिए जी ये हैदर भाई का रूम है जहाँ पे वो लोगों के साथ मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं इनकी, यहाँ बैठ के। इमरान बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे, मैं 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और 4 साल के बाद मुझे इस तरह का कोई गोल्डन चांस मिल रहा है कि जिसके वजह से मैं अपनी मेहनत जो है वो दिखा सकती हूँ और मैं थोड़ा ऊपर जा सकती हूँ। हम लोग वेट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो हमें मिलेंगे और हमें रजब भाई के घर का भी बताएंगे और हमें लेके जाएंगे। आप लोग दुआ कीजिएगा बस हम लोग उनको मिल लें। मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बोल रही ठीक है, क्योंकि बाहर अंकल बैठे हैं। पापा बैठे हुए हैं उनके भाई। ये आए हैदर भाई के छोटे भाई, नाम तो नहीं मैंने इनसे पूछा लेकिन बड़े अच्छे हैं। ये हमारे लिए चाय लेकर आए हैं। ये इमरान साहब चाय बना रहे हैं। Wow! जी चाय पीने के दौरान हमें एक न्यूज़ मिली है कि हैदर भाई घर नहीं है, वो अपने किसी दोस्त के घर बैठे हुए हैं। तो शायद वो दोस्त जो है वो रजब ही है। तो चलें, वो कह रहे हैं कि आप फटाफट से चाय पी लें तो हम आपको उनके घर पे ले चलते हैं। तो बस हम ये चाय फिनिश कर लें तो हम बस निकल रहे हैं। शुक्रिया अंकल जी, मेहरबानी। जी हम लोग निकल रहे हैं अभी उनको देखने के लिए कि वो कहाँ है। वो उनके भाई कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ देते हैं उधर ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये रजब भाई ने लास्ट टाइम अब बोला था ना कि कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मिलते हो, ये ऐसे वैसे, ये बड़े अच्छे हैं और ये मिलते हैं। क्योंकि हम लोग आए इनके घर पे, इन्होंने ज़रा भी ये नहीं किया कि कौन होंगे कैसे होंगे। इन्होंने हमें अपने वहाँ पे बैठक में बैठाया, इन्होंने चाय दी, बिस्किट थे, जूस था मेरी बेटी के लिए। और फिर अभी उसका भाई आया, उन्होंने कहा कि वो घर पे नहीं है तो चले हम आपको लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनसे मिल के ही आएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो वाकई में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहनत करके आपके पास पहुंचे हैं, सुबह से ही छोटी सी बच्ची के साथ निकले हुए हैं आपको मिलने के लिए। अगर रजा फैमिली मेरा ये पैगाम देख ले तो नजफ अली वारिस के नाम से भाई का चैनल है जी, काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं, अगर मिल ही गए तो लोग भाई को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भाई अच्छे से अच्छा काम मजीद करते रहें। बहुत शुक्रिया। आपकी अम्मी से मिला, मुझे बड़ा क्रेज है उनसे मिलने का। कैसे मिलाएंगे? बस ये शादी से फ्री हो रहे तो दोबारा आपको मिलने के लिए कैसे आएंगे, कहाँ आएगा मुझे बताने।
जी तो बड़े अच्छे तरीके से मिले हमें रजब भाई, शुक्रिया रजब भाई। तो ये इनके फ्रेंड का घर है इसलिए वो हमें अंदर नहीं बुला सके, वरना हम इनके घर पे होते, अंदर बैठे होते। तो जनाब नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे, उन्होंने 2 वीक के बाद हमें बुलाया अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए। और रजब भाई की बात मानी आप लोगों ने, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करना है आपने, कमेंट करने हैं, ठीक है ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आंटी जी के साथ, अल्लाह हाफिज़।